हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले सेशन में हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देख रहे थे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट मीन जाइगोट का डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो के रूप में ट्रांसफॉर्म होना। अब क्या कहते हैं कि अब एम्ब्रियो के नॉर्मल जनरल कैटेगरी से जनरलाइजेशन के तौर पर हम उसके डेवलपमेंट को देख लिए थे। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो में थोड़ा जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों को एक एक मिनट ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो, पिछले सेशन के बात करें तो हम लोग डाइकोट एम्ब्रियो को डायरेक्ट लिए थे और जनरलाइज करके उसको डेवलपमेंट को देखे थे। मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकोट एम्ब्रियो, देखिए मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये दो अगर हैप्लोइड कह रहे हैं, दो हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं, एक मेल हैप्लोइड न्यूक्लियस और दूसरा फीमेल हैप्लोइड न्यूक्लियस, तो फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा इस तरह से। ये हमारा क्या जाइगोट है। अब जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिसिमिलर डिवीजन। डिसिमिलर डिवीजन होने के बाद क्या होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा सेल बनेगा। जो बड़ा सेल होगा वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा और जो छोटा सेल होगा वो माइक्रोपाइलर से फार होगा, दैट मीन्स उससे डिस्टेंस होगा। और इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में क्या, ये चालेजल एंड की तरफ होगा इस तरह से। और जो बड़ा वाला सेल होगा उसको सस्पेंसर कहते हैं, सस्पेंसर सेल। और जो छोटा वाला सेल है उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल। अब देखिए ये जो सस्पेंसर सेल है मोनोकॉट में, देखिए होता क्या है कि सस्पेंसर सेल में जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है वो एक बार या दो बार, इससे ज़्यादा नहीं होता। ऑलमोस्ट तो देखा जाता है कि एक बार ही डिवीजन होता है, कुछ केसेज में ये दो बार डिवीजन होता है। दैट मीन्स तीन या चार से इसका संख्या नंबर ज़्यादा जाता नहीं है। दैट मीन्स ये एक या दो बार डिवाइड करेगा और इसके बाद एम्ब्रियोनिक सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। एम्ब्रियोनिक सेल किस में जाएगा, एम्ब्रियोनिक सेल स्फेरिकल शेप में जाएगा, ग्लोब्यूलर से ग्लोब्यूलर स्टेज एंड देन हार्ट सेपेट स्टेज। और यही हार्ट सेपेट स्टेज है, यहीं तक आकर के जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है ये रुक जाता है। इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता, फर्दर स्टेज का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होता। लेकिन अगर हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो डाइकोट एम्ब्रियो में हमारा क्या है, ये जाइगोट है, ये हैप्लोइड है और दोनों मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसी की तरह मोनोकॉट की तरह ही क्या होगा, इसमें जनरलाइज कैटेगरी क्या होगा, एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला को क्या कहेंगे, सस्पेंसर, और छोटे वाले को एम्ब्रियोनिक सेल कहेंगे। यही है हमारा। अब इसमें देखिए फर्क क्या है मोनोकॉट और डाइकोट में। मोनोकॉट में क्या, ऑलमोस्ट एक ये ज़्यादा से ज़्यादा दो बार ये जो सस्पेंसर सेल है डिवाइड कर रहा है। बट ये जो डाइकोट जो है डाइकोट एम्ब्रियो, इसमें दो तीन चार लगभग आठ से दस सेल तक ही चले जाता है, चार पांच बार ये डिवाइड कर जाता है। और चार पांच बार के टाइम डिवाइड करने के बाद होगा क्या, ये जो हर हमेशा जो है ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, दैट मीन इस तरह से एक लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, लंबा नेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। और इस नेक लाइक स्ट्रक्चर के जरिए क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो सेल है जो जिसको हम एम्ब्रियोनिक सेल कह रहे हैं, इस एम्ब्रियोनिक सेल को ये एंडोस्पर्म के इनसाइड क्या करता है, पुश करता, धक्का देता और उसके बीच में क्या करता है, उसके बीच में ले जाने का प्रयास करता है। ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर ये एंडोस्पर्म के बीच में जाएगा तो क्या होगा, एंडोस्पर्म अपने आप में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, फूड का स्टोर हाउस होता है, गोडाउन होता है। तो जितना ज़्यादा ये फूड के पास रहेगा इसके चारों तरफ, उतना ही इसके एम्ब्रियो के डिवीजन में क्या होगा, उतना ही सहूलियत मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो डिवीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा और लॉन्ग नेक लाइक सस्पेंसर सेल जो है कि तीन से चार बार डिवाइड करने के बाद लॉन्ग नेक लाइक इम्ब्रियो अंदर की तरफ जाएगा एंडोस्पर्म में, या तो क्या आ जाएगा, ग्लोब्यूलर स्टेज पर जाएगा, ग्लोब्यूलर स्टेज एंड देन हार्ट सेपेट स्टेज। और इसके बाद इसमें एक और स्टेज आगे जाता है, दैट इज टॉर्पिडो।
अंडरस्टैंड। ये तो हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में देखे थे। अब देखिए, अगर हम जनरलाइज कैटेगरी से कहें, अगर नॉर्मल तरीके से क्या हो सकता है, मोनोकोटिम्ब्रियो और डाइकोटिम्ब्रियो में किस तरह का स्ट्रक्चर आ सकता है, तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ये जो सस्पेंसर सेल होता है, सस्पेंसर सेल क्या है, नेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ये नेक लाइक हमारा स्ट्रक्चर है इस तरह से, और इसके बाद एम्ब्रियोनिक सेल है इस तरह से, है इस तरह से। देखिए ये हमारा क्या ग्लोब्यूलर स्टेज है। ग्लोब्यूलर स्टेज में भी ये क्या है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल। अब इस सस्पेंसर सेल में सबसे ऊपर वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉस्टोरियल। हॉस्टोरियल सेल कहा जाता है। और ये बाकी के जो सभी होते हैं इसको क्या कहा, सस्पेंसर सेल ही कहा जाता है। और जो सबसे टर्मिनल पॉइंट पर होता है, और वो भी टर्मिनल पॉइंट पे कौन सा, जो एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ हो, किधर हो, एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ हो, दैट इज चैलेजल की तरफ हो, फार फ्रॉम माइक्रोपाइलर हो, उस टर्मिनल पॉइंट को क्या कहा जाता है, टर्मिनल सेल को, याद है, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस पिछले सेशन में सब कुछ देख चुके हैं, एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। अब ये जो हाइपोफाइसिस है, यही हाइपोफाइसिस किसका ग्रोथ कराता है, रूट कैप बनाता है, यही हाइपोफाइसिस। और इसी हाइपोफाइसिस के नीचे क्या होता है, रेडिकल होता है। अब इस रेडिकल जो है, रेडिकल के सेंटर से एक क्या होता है, एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस डेवलप होता है, और इसी एम्ब्रियोनिक एक्सिस के दोनों साइड आर्म पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दोनों साइड भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है। अब देखिए मोनोकोट और डाइकोट में होता है क्या, मोनोकोट और डाइकोट में, ये जो डाइकोट है, डाइकोट में ये दोनों तरफ जो है आर्म की तरह डेवलपमेंट होगा, और ये जो एक्सिस है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इस एक्सिस पर क्या होगा, स्लो डिवीजन होगा, इस एक्सिस पर स्लो डिवीजन होगा। जब स्लो डिवीजन होगा तो दोनों तरफ आर्म की तरफ डिवाइड होगा, जब आर्म की तरफ जब ग्रोथ होगा तो उसको क्या, हार्ट सेपरेट स्टेज में आ जाएगा, हार्ट सेपरेट स्टेज। और यहाँ पर फिर यही जो हार्ट सेपरेट है यही और डिवाइड होते जाएगा और टॉर्पिडो स्टेज पर चला जाएगा। अब अगर हम जनरल मोनोकोटिम्ब्रियो डाइकोटिम्ब्रियो का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जनरल स्ट्रक्चर मोनोकोट में ये जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियोनल एक्सिस है, मान लेते हैं ये क्या हमारा एक इम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो ये जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड, ऑलमोस्ट एक साइड, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, राइट हो या लेफ्ट में, उसके एक साइड क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा, और एक साइड ये जो देख रहे हैं, एक साइड ग्रोथ नहीं होता है, और ये जो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होता है, इस तरह से ग्रोथ होगा। और वही अगर बात करें हम डाइकोट का, तो डाइकोट में दोनों तरफ ग्रोथ होता है, इस तरह से इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, अंडरस्टैंड, इस तरह से। और ये जो दोनों तरफ जो ग्रोथ है, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, इम्ब्रियोनल एक्सिस फिक्स रहता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, इस तरह से, या फिर किसी किसी में इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से, ये हमारा मोनोकोट है, इस तरह का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आएगा। ये जो क्या है हमारा, एक तरफ का जो कोटाइलेडोन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटाइलेडोन। और जो मोनोकोटिम्ब्रियो होता है, उस मोनोकोटिम्ब्रियो में जो कोटाइलेडोन होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, और उस स्पेशल नाम को का उसका स्पेशल नाम है स्कूटेलम। स्पेशल टर्म से इसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें कोटाइलोडन नहीं कहा जाता है बल्कि इसे क्या कहा जाता है, इसको टेलम। लेकिन वही अगर हम डाइकोटिम्ब्रियो की बात करें, तो देखिए डाइकोटिम्ब्रियो है ये जो हमारा डाइकोटिम्ब्रियो है, डाइकोटिम्ब्रियो में क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड क्या होगा,
इस तरह से ग्रोथ होगा। ये देखिए इधर भी क्या है, कोटाइलेडोन है, इधर भी कोटाइलेडोन है, इधर भी कोटाइलेडोन और इधर भी कोटाइलेडोन, दोनों तरफ कोटाइलेडोन। ये जो कोटाइलेडोन है एक्चुअल में क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, किसके लिए, इस इम्ब्रियोनल एक्सिस इम्ब्रियो के लिए। ये इम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व क्यों होता है, फूड रिजर्व इसमें क्यों होता है, क्योंकि जब आने वाला यही जो इम्ब्रियोनल एक्सिस इम्ब्रियो है ओव्यूल के इनसाइड है, तो ओव्यूल क्या होता है, सीड के रूप में होता है और सीड के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है पूरा का पूरा ओव्यूल, मैच्योर्ड ओव्यूल सीड कहलाता है। तो जो मैच्योर्ड ओव्यूल जब सीड कहलाएगा तो उसके अंदर का जो पार्ट है, जो इम्ब्रियो है, यही इम्ब्रियो तो एक नए प्लांट के लिए क्या है, अपने आप में एक यूनिट पॉइंट है। तो यूनिट पॉइंट जब इम्ब्रियो है तो इम्ब्रियो के पास अपना खुद का फूड रिजर्व होना चाहिए। तो ये जो कोटाइलेडोन है अपने आप में फूड रिजर्व की तरह वर्क करता है, फंक्शन करता है, अंडरस्टैंड। तो यही है हमारा मोनोकोट इम्ब्रियो और डाइकोट इम्ब्रियो। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कोई परेशानी हो तो फिर से एक बार कमेंट कर सकते हैं या फिर इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का कुछ फिगर्स है, उसको एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा मोनोकोट इम्ब्रियो और ये हमारा डाइकोट इम्ब्रियो। मोनोकोट इम्ब्रियो में देखिए उसी तरह से एक्सिस, ये इधर स्कूटेलम जो हम कोटाइलेडोन कह रहे थे, एक साइड क्या है हमारा कोटाइलेडोन है और इसी कोटाइलेडोन को स्पेशली ये जो कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसको क्या कह रहे हैं, स्कूटेलम, कोटाइलेडोन को ही। ये हमारा क्या है, रेडिकल प्लूमुल, याद है रेडिकल प्लूमुल, रेडिकल कहाँ होता है, हाइपोफाइसिस, याद है कि जो इस सस्पेंसर सेल होता है, सस्पेंसर सेल का टर्मिनल सेल, सस्पेंसर सेल का टर्मिनल सेल जो एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ हो, एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ हो, उसको क्या कहते हैं, लास्ट वाले को हाइपोफाइसिस। वही हाइपोफाइसिस क्या करता है, रेडिकल बनाता है, देख रहे हैं रेडिकल रूट कैप, रेडिकल और उसके ऊपर जस्ट रूट कैप, हाइपोफाइसिस रूट कैप बनाता है और रूट कैप के नीचे क्या है, रेडिकल। और मोनोकोट में क्या होता है कि ये जो रेडिकल हो और प्लूम्यूल हो, रेडिकल हो और प्लूम्यूल हो, इसके ऊपर क्या होते हैं, कवरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं और इन प्रोटेक्टिव टिश्यू को कोलेराइजा और कोलेप्टाइल कहा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, रेडिकल की तरफ जो होगा उसको आर, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर कोलेराइजा, दैट इज रिमेंबर रखने का शॉर्ट ट्रिक। रूट कैप की तरफ आर वाला, दोनों नाम देखिए क्या है, कोलेप्टाइल और कोलेराइजा। आर वाला जो होगा रूट की तरफ होगा और जो दूसरा शेष रिमेनिंग होगा वो प्लूमेल की तरफ। तो जो रूट अर्थात रूट कैप की तरफ जो प्रोटेक्टिव सीथ होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलेराइजा, और जो प्लूमेल की तरफ होगा, प्लूमेल को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कोलेप्टाइल। और ये यहाँ पर देख ही रहे हैं प्लूमेल है, यही हमारा मोनोकोट का स्ट्रक्चर। और डाइकोट, डाइकोट में देखिए ये हमारा क्या है, इम्ब्रियो है, इम्ब्रियोनल एक्सिस, यही हमारा इम्ब्रियो है। और ये हमारा अगर हम एज्यूम करें तो ये हमारा इम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगा और इस इम्ब्रियोनल एक्सिस पर यहाँ देखिए सबसे टिप पर क्या है, रूट कैप, रूट कैप दैट इज यहाँ पर क्या होगा, हाइपोफाइसिस होगा। हाइपोफाइसिस कौन सा, सस्पेंसर सेल का टर्मिनल सेल, उसके नीचे यहाँ रूट कैप, रूट कैप किसको प्रोटेक्ट किए हुए रहेगा, रेडिकल को, यहीं पर रेडिकल से क्या होगा, रूट सिस्टम डेवलप होगा। और इसके जस्ट अपोजिट क्या, प्लूम्यूल, रेडिकल के जस्ट अपोजिट इम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट उल्टा साइड पर क्या होगा, प्लूम्यूल होगा, यहीं से क्या होगा, शूट सिस्टम डेवलप होगा। अब देखिए जो प्लूम्यूल की तरफ वाला जो उससे जस्ट एबव उसके इनसाइड में जो स्ट्रक्चर होगा, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रेडिकल की तरफ और एपिकोटाइल प्लूम्यूल की तरफ। ये जो है जो एपिकोटाइल है शूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा, हाइपोकोटाइल रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा। यही है हमारा मोनोकोट इम्ब्रियो और डाइकोट इम्ब्रियो के बीच थोड़ा सा डिस्टिंक्शन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो गया, कंप्लीट हो गया, तो सोचिए तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा, ओव्यूल के इनसाइड हो रहा है। तो इम्ब्रियो डेवलप हो चुका है तो उस टाइम तक तो ओव्यूल भी तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, वो भी तो क्या इनएक्टिव स्टेट में तो नहीं रहेगा, तो उसके पास भी कुछ ना कुछ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, ओव्यूल के इनसाइड ही तो डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थात कि दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ओव्यूल का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो जो कंप्लीट ओव्यूल है वही कंप्लीट ओव्यूल मैच्योर होकर के डेवलप होकर के किस में ट्रांसफॉर्म होता है, सीड के रूप में। तो अब हम लोग सीड के बारे में स्टडी करेंगे।
अब हम लोग देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं सीड के बारे में। सीड सीड बनता किससे? ओव्यूल से। ओव्यूल के इनसाइड जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए। तो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, मैच्योर्ड ओव्यूल है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सीड कहते हैं। दैट इज द फर्टिलाइज्ड और मैच्योर्ड ओव्यूल आर नॉन एज सीड। अब देखिए, ओव्यूल का जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, मैच्योर्ड ओव्यूल है, उसको हम क्या करें? सीड करें। तो जो ओव्यूल का इनसाइड का स्ट्रक्चर तो जाइगोट था, जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन इसके अपर एम्ब्रियो में जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसमें क्या होगा? देखिए, तो कुछ स्ट्रक्चर आएंगे जैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसको तो नहीं देख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, इन जो हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप लगाना होगा। लेकिन कोटाइलेडोन, इस स्ट्रक्चर को तो देख सकते हैं। फूड रिजर्व, जो फूड रिजर्व मटेरियल है, इसको तो आराम से देख सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आते हैं, तो इसके ऊपर देखिए तो सीड कोट, है सीड कोट। अब ये जो सीड कोट है, सीड कोट का अगर बात करते हैं तो सीड कोट किससे बनता है? सीड का छिलका, जो अपर वाला जो लेयर होता है, अपर वाले लेयर को सीड कोट कहते हैं। तो अपर वाला लेयर बनता किससे? ओव्यूल। याद कीजिए, तो ये हमारा क्या है? ओव्यूल है, एक कंप्लीट ओव्यूल। ये ओव्यूल किससे डेवलप होता है? न्यूसेलस से ही डेवलप होता है। अब इसके ऊपर क्या है? न्यूसेलस है, शुरुआत हम बिगनिंग का मान लेते हैं। और ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के ऊपर क्या होते हैं? आउटर कवरिंग होते हैं। ये जो आउटर कवरिंग है, इस तरह से होते हैं। हमारा क्या आउटर कवरिंग है? इस तरह से इंटरनल जो इंटेगमेंट है, इस तरह से हमारा ये क्या इनर इंटेगमेंट। इसके ऊपर भी एक क्या होता है? इंटेगमेंट होता है, सॉरी, इस तरह से। ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के ऊपर क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर क्या है? दो आउटर कवरिंग है, इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। ये हमारा इनर, ये हमारा आउटर। ये जो इनर और आउटर जो इंटेगमेंट हैं, यही इंटेगमेंट जो ओव्यूल को कभी सब पहले क्या हुए थे? कवर करके रखे हुए थे, प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे। यही जो इंटेगमेंट है, सीड कोट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये जो आउटर का आउटर कवरिंग है, आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट, ये आउटर इंटेगमेंट थिक, स्ट्रॉन्ग और हार्ड कोटिंग बनाता है। और ये जो कोटिंग होता है, इसका नेचर अगर कहे तो ये प्रोटेक्टिव ही होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव। और इस आउटर कवरिंग आउटर इंटेगमेंट को बोला जाता है टेस्टा। क्या बोला जाता है? टेस्टा। इसके बाद जो इनर वाला जो इंटेगमेंट देख रहे हैं, ये इनर इंटेगमेंट क्या होता है? इनर इंटेगमेंट्स, ये जो इनर इंटेगमेंट होते हैं, ये आउटर की अपेक्षा क्या होते हैं? लूजली होते हैं। लूजली अरेंज्ड होते हैं, और ये भी प्रोटेक्टिव नेचर का ही होता है, और इसे कहा जाता है टेगमेन। अब देखिए, ये बात आती है कि कुछ कुछ जो प्लांट होते, कुछ जो सीड होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही आउटर कवरिंग होते हैं, कुछ में दो आउटर कवरिंग होते हैं। तो ये जो आउटर कवरिंग होता है, बाहर वाला जो आउटर इंटेगमेंट, ये तो होगा ही होगा। आप लोग अथी में पढ़े थे ओव्यूल के बारे में भी, कि जो कुछ जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होते हैं, उसमें क्या होते हैं? बाइटेगमिक होते हैं, और जिम्नोस्पर्मिक क्या होते हैं? यूनिटेगमिक होते हैं। दैट मीन एक ही क्या होता है? एक ही इंटेगमेंट होता है, सिंगल इंटेगमेंट होता है। जो सिंगल इंटेगमेंट
इंटेगमेंट होगा उसके ऊपर सीड कोट भी सिर्फ बाहर वाला ही होगा, आउटर इंटेगमेंट होगा दैट इज टेस्टा ही होगा, और जो कुछ होते हैं उसमें इनर वाला ही होगा दैट इज वो टेगमेन टेगमेन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अगर हम इसको कहें कि सीड कोट, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, दैट इज सीड कोट। अब अगर हम सीड कोट का बात करें, सीड कोट क्या होता है, सीड कोट आउटर कवरिंग, और क्या कह सकते हैं इसको, प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट, प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स ओवर ओव्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एज सीड कोट आफ्टर मैच्यूरेशन। अंडरस्टैंड? अब ये सीड कोट कौन कौन होते हैं, दो सीड कोट होते हैं, एक टेस्टा और एक टेगमेन। टेस्टा ये क्या होता है, आउटर मोस्ट थिक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग लेयर दैट प्रोटेक्ट्स सीड, एंड सेकेंड टेगमेन इनर लूज कोटिंग दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट सीड। टेगमेन क्या होते हैं, लूज कोटिंग होते हैं, और जो टेस्टा होता है क्या होता है, आउटर मोस्ट थिक हार्ड और स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, यही हमारा सीड कोट। अंडरस्टैंड? अब सीड कोट के बाद हम लोग देखते हैं कोटाइलेडोन, कोटाइलेडोन दैट इज फूड रिजर्व। कोटाइलेडोन, ये कोटाइलेडोन होता क्या है, सिंपल होता है, थिक होता है और स्वेलिंग स्ट्रक्चर लगता है, एक्चुअल में एकदम बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्यों, क्योंकि फूड रिजर्व होता है दैट इज सिंपल थिक एंड स्वेलोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सीड अलोंग विथ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर रेफर्ड एज कोटाइलेडोन। ये जो कोटाइलेडोन होते हैं क्या होते हैं, थिक होते हैं, स्वेलिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पूरे के पूरे सीड के जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब यही कोटाइलेडोन के बारे में हम लोग डायरेक्ट कोटाइलेडोन से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सीड मोनोकोट है और कौन सा सीड डाइकोट है। अगर मोनोकोट सीड है तो उसमें क्या होगा, मोनोकोट सीड दैट इज, ये जो कोटाइलेडोन है सिंगल कोटाइलेडोन, सिंगल कोटाइलेडोन होंगे, सिंगल कोटाइलेडोन, और इसको जो क्या कहते हैं, सिंगल कोटाइलेडोन होते हैं मोनोकोट में, उसको स्कूटेलम भी कहा जाता है स्पेशली, और जो डाइकोट होते हैं, डाइकोट सीड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, टू कोटाइलेडोन होते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये जो कोटाइलेडोन होता है, कोटाइलेडोन बनता किससे, फूड रिजर्व होता क्या है, सिंगल थिक एंड स्वेलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सीड अलोंग विथ एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटाइलेडोन अगर इसके बारे में अगर एक्चुअली बोले तो कोटाइलेडोन आर एक्चुअली फूड रिजर्व्स,
कोटाइलेडोन वास्तव में होता क्या, फूड रिजर्व होता है, न्यूट्रिशन का रिजर्व हाउस होता है। ये जो कोटाइलेडोन है बनता किससे, इंडोस्पर्म को यूज करके बनता है, न्यूसेलस को यूज करके बनता है। तो अब तक देखिए जो सीड होते हैं, सीड में भी तो कुछ आते हैं, जैसे कि इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक पेरिस्पर्म, तीन नाम आते हैं। तो दैट इज इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड देखते हैं। इंडोस्पर्मिक या इसी को एक और नाम दिया जाता है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड। ये इंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग क्या जान अभी तक स्टडी किए हैं कि जो सीड होते हैं, सीड का जो कोटाइलेडोन होता है, कोटाइलेडोन किसको यूज करके अपने आप को डेवलप करता है, इंडोस्पर्म को। तो जो कुछ सीड होते हैं, कुछ स्पेसीज ऐसे भी होते हैं उसमें जो सीड होता है उसमें इंडोस्पर्म जो कोटाइलेडोन कम्प्लीटली जो बनता है, जो मैच्योर होता है, तो उसके मैच्योर होने के बाद भी, उसके आफ्टर भी क्या होते हैं, उसमें इंडोस्पर्म रिमेन रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। तो उस तरह के सीड को क्या कहा जाता है, एल्बुमिनस सीड कहा जाता है या इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। दैट इज इन सम स्पेसीज ऑफ सीड्स हैव इंडोस्पर्म आर रेमिनेंट्स विच आर नोन एज इंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। और ये जो होते हैं ऑलमोस्ट, आप लोग देखेगा जो मोनोकोट जो सीड होते हैं उसमें इंडोस्पर्म रहता ही रहता है। एग्जाम्पल अगर कहे तो वीट, राइस, कैस्टर एक्सेट्रा, मेज भी कह सकते हैं, वीट में भी होता है, राइस में भी होता है, कास्टर आल रेड़ी आप लोग जानते होंगे, मेज, ये सब में क्या होते हैं, ये जो सीड होते हैं इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, दैट इज एल्बुमिनस सीड होते हैं। और एक होते हैं एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस कह सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस कह सकते हैं या नॉन इंडोस्पर्मिक भी कह सकते हैं सीड। अब खुद से सोचिए कि जो इंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड हम किसको कर रहे हैं, जिसमें इंडोस्पर्म रिमेन रह जा रहा है, उसमें रह जा रहा है, शेष रह जा रहा है, उसको क्या करें एल्बुमिनस, और एक्स एल्बुमिनस अर्थात कि नॉन इंडोस्पर्मिक किसको कहेंगे, जिसमें कोई भी इंडोस्पर्म नहीं रहेगा। दैट इज सीड्स डू नॉट हैव एनी रिमेनेंट्स ऑफ इंडोस्पर्म आर नॉन एज, क्या इसको कहते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहें, नॉन एल्बुमिनस कहें या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड कहें। इसका एग्जांपल पी ग्राउंडनट, दैट इज डाइकोट, लेग्यूमिनस जितने भी सीड होते हैं वे सभी क्या होते हैं, नॉन एल्बुमिनस होते हैं। एक चीज़ और आता है न्यूसेलस, याद है किसके ऊपर, ओव्यूल के ऊपर एक नरिशिंग टिश्यू होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, वो क्या करता है, वो जाइगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट के डेवलपमेंट में। तो कुछ कुछ जो सीड होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो न्यूसेलस है ये भी रिमेन रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, तो उस जो सीड के अंदर जो न्यूसेलस रह जाते हैं, परसिस्ट कर जाते हैं, उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म इन सम सीड न्यूसेलस आर परसिस्टेड एज
रिमेनेंट्स आर विच आर रेफर्ड एज पेरियस्पर्म. एग्जाम्पल ब्लैक पीपर काली मिर्च, याद है काली मिर्च जो राउंड राउंड होता है स्ट्रक्चर, उसी को ब्लैक पीपर, उसमें क्या होते हैं न्यूसेलस होता है एक्सेट्रा. इस तरह से हमारा सीड कंप्लीट होता है. सीड में एक और टर्म आता है सीड डोरमेंसी, इसको देख लीजिए, इसके बाद उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं. सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी आप लोग नाम सुने होंगे पहले भी. सीड डोरमेंसी होता क्या, स्टेट ऑफ मेटाबॉलिकली इनएक्टिविटी. सीड का जैसे कहते हैं ना सीड मैच्योर हुआ, सीड मैच्योर होने के बाद उसका जर्मिनेशन, सीड अपने आप में क्या होता है एक इम्ब्रियो, उसमें क्या होता है इम्ब्रियो फिक्स है, अर्थात कि किसी भी प्लांट का एक यूनिट पॉइंट, जिससे कि वो सीड अपने आप में उसके पास एक कैपेबिलिटी होता है कि किसी भी प्लांट को जर्मिनेट कर सकता है, जिस प्लांट का वो सीड हो सेम स्पीसीज का. तो लेकिन होता क्या है कि जब सीड क्या होते हैं ओवरी के इनसाइड मैच्योर कर जाता है और उसे हम लोग कहीं भी उठा करके रख देते हैं तो वैसे ही रह जाता है. तो वो जो स्टेट होता है जब तक कि वो जर्मिनेट ना करे, तो जो मैचुरेशन से लेकर के जर्मिनेशन के बीच का जो इंटरवल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो उस स्टेट को बोला जाता है सीड डोरमेंसी. दैट इज वो उतना दिन सर्वाइव, चाहे कितना भी हो वो सर्वाइव किस पर रहता है, सर्वाइव का कारण होता है उसका मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट, दैट इज स्टेट ऑफ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ऑफ सीड फ्रॉम इट्स मैचुरेशन टू जर्मिनेशन आर रेफर्ड एज सीड डोरमेंसी. ये जो सीड है जब सीड मैच्योर करता है, सीड मैच्योर हो गया तो मैच्योर होने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें से वाटर लॉस होता है. क्या होता है वाटर लॉस, दैट मीन वो जो वाटर लॉस होता है मैचुरेशन के दौरान, तो उसका जो कंप्लीट जो वेट होता है सीड का जो वेट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 10-15% उसमें वाटर रिमेन रहता है. दैट इज अ डॉर्मेंट सीड हैव ओनली 10-50% वाटर ऑफ इट्स वेट, उसके टोटल वेट का 10-15% सिर्फ उसमें वाटर रिमेन रहता है. और ये सीड डोरमेंसी के स्टेट में चला जाता है. डोरमेंसी का स्टेट दैट मीन वो वायबल है, दैट मीन उसमें जर्मिनेशन कैपेबिलिटी है, लेकिन उसका इम्ब्रियो क्या है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है. दैट मीन उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लगभग जीरो के बराबर, दैट इज नेग्लिजेबल है. अब इसका डोरमेंसी को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं खुद सोचिए. तो दैट मीन डोरमेंसी ऑफ सीड कैन बी ब्रोकन बाय सप्लाइंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर, मॉइस्चर दैट इज मॉइस्चर वाटर एंड ऑक्सीजन. ये तीन फैक्टर, अगर कोई भी डोरमेंट सीड है वायबल है उसको अगर हम ये तीन फैक्टर टेम्परेचर मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर देते हैं, तो वो जो सीड है फिर से उसका डोरमेंसी ब्रोक हो जाएगा और वो फिर से जेनरेट हो जाएगा. अंडरस्टैंड. देखिए एनसीईआरटी में दो नाम दिए गए हैं लोपिनस आर्कटिकस. ये जो सीड है आर्कटिक रीजन में पाया गया है,
आर्कटिक रीजन से इसको प्राप्त किया गया है, लिया गया, और जब इसको कार्बन डेटिंग के द्वारा पता किया गया तो ये 10,000 साल 10,000 ईयर्स इसका जो लाइफ है 10,000 ईयर्स पीछे का ये सीड है। और उसके बाद भी इसका देखिए डोरमेंसी ब्रेक हुआ और ये सीड जर्मिनेट हुआ और आज के समय में ये कंप्लीट एक प्लांट के रूप में हमारे पास मौजूद है। एक है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये डेट पालम स्पेसीज का एक स्पेशल स्पेसीज है उसी का जीनस का, और ये 2000 ईयर्स का इसका कार्बन डेटिंग के द्वारा इस सीड का पता चला है। ये भी हमें क्या एक फॉसिल्स के रूप में ही मिला है, ये दोनों जो सीड है हमें फॉसिल्स के रूप में मिले हैं। और फॉसिल्स के रूप में मिले हुए तो बहुत सारे सीड हैं, लेकिन वायबल जो सीड है दैट इज जो जनरेट कर सके, ये जो जनरेट करने वाले दो सीड हैं जो हमें आज तक मिले हैं रिसर्चर को, ल्यूपिनस आर्कटिकस, ये आर्कटिक रीजन से जिसका कार्बन डेटिंग के दौरान पता चला कि ये 10,000 साल पुराना सीड है, और फोनिक्स डैक्टिलिफेरा का तो 2000 ईयर्स दैट इज 2000 साल पुराना सीड जो कि आज जर्मिनेट कर चुका है, प्लांट के रूप में हमारे इस दुनिया में मौजूद है। तो इस तरह से हमारा सीड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फ्रूट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।